हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका G7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेली प्लस में, जिसमें हम आपको आपके बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड टेली के एडवांस फीचर्स के बारे में बताते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम टेली के अंदर दो तीन टॉपिक पे बात करेंगे। पहला तो है कि आप टैली को जो लाइसेंस है आपका उसको कैसे अपडेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप टैली का रिन्यूअल करवाते हैं या किसी भी कंडीशन में आप टैली को अपडेट करना चाहते हैं तो वो कैसे अपडेट होगी। दूसरा, अगर आप टैली का लाइसेंस सरेंडर करना चाहते हैं तो वो कैसे करना है। और तीसरा, टैली का लाइसेंस आपने रिएक्टिवेट कैसे करना है। तो ये तीन टॉपिक जो आज हम टैली में करके आपको दिखाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि टैली में आपने जो लाइसेंस है अपना वो कैसे जो है अपडेट करना है। तो अपडेट करने के लिए आपने टैली के गेटवे पे प्रेस करना है F12। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का जो ऑप्शन आएगा, इसमें आपने सेकंड लास्ट ऑप्शन लाइसेंसिंग इसके अंदर जाना है, और यहाँ पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन अपडेट लाइसेंस इसके अंदर। यहाँ पे आपसे ये ऑप्शन देता है आपको अपनी रजिस्टर ईमेल आईडी tally.net ID जो है वो आपने डालनी है, और उसके बाद आपने अपना पासवर्ड डालना है टैली का। उसके बाद आपने इसको करना है एक्सेप्ट। तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में आपके पास इंटीमेशन आ जाएगी लाइसेंस अपडेट सक्सेसफुल। तो ये मेथड है आपका लाइसेंस को अपडेट करने के लिए। सेकंड जो टॉपिक है हमारा वो है लाइसेंस को सरेंडर करने के लिए। तो लाइसेंस को सरेंडर करने के लिए सेम आपने टैली के गेटवे पे प्रेस करना है F12। यहाँ पे आपने जाना है लाइसेंसिंग ऑप्शन में, और इसमें आपने सेकंड ऑप्शन सरेंडर लाइसेंस इसको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे अगर आपसे ये एडमिन राइट के थ्रू इसको रीस्टार्ट करने का ऑप्शन देता है तो इसको आपने यस करना है। रीस्टार्ट होने के बाद आपको ये इंटीमेशन देगा यू आर अबाउट टू सरेंडर योर लाइसेंस, आपने इसको करना है यस कंटिन्यू। अब आप यहाँ पे अपना tally.net ID और अपना पासवर्ड अगर आप डालेंगे और इसे कंटिन्यू करेंगे तो ये लाइसेंस आपका यहाँ पे हो गया सरेंडर सक्सेसफुली। लाइसेंस को सरेंडर करने का जो मेन पर्पस होता है बेसिकली वो ये कि बाय चांस अगर आपके किसी सिस्टम में कोई इशू आ रहा है, आपको सिस्टम चेंज करना है, आप चाहते हैं कि अपने दूसरे सिस्टम में टैली यूज़ करना, तो पहले सिस्टम से आपको लाइसेंस को सरेंडर करना बहुत ज़रूरी है। तो आप यहां से इस प्रोसेस के थ्रू इसको सरेंडर करके, और जो अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है लाइसेंस को रिएक्टिवेट कैसे करना है, तो वो अब मैं आपको बताता हूँ। लाइसेंस को रिएक्टिवेशन का जो प्रोसेस है, इसके लिए सबसे पहले तो आपको टैली इंस्टॉल करनी है अपने जिस भी सिस्टम में आप टैली को रिएक्टिवेट कर रहे हैं लाइसेंस को। तो सबसे पहले आपने टैली को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहली जो स्क्रीन आती है टैली की, स्टार्टअप की आपकी ये विंडो आती है जिसमें आपको ऑप्शन दिए होते हैं एक्टिवेट योर लाइसेंस और रिएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस। तो आपने जाना है रिएक्टिवेट योर एग्जिस्टिंग लाइसेंस ऑप्शन में। यहाँ पे अगर आपसे ये एडमिन राइट्स के थ्रू इसे रिस्टार्ट करने के लिए अगर ऑप्शन देता है तो इसको आपने यस करना है। रिस्टार्ट होने के बाद आपने फिर से यहाँ पे अपना जो tally.net ID है वो आपने यहाँ पे डालनी है, और सेम आपका tally.net ID का जो पासवर्ड है वो आप यहाँ पे डालेंगे, और इसे अगर आप एंटर करेंगे तो ऐसे आपका ये लाइसेंस हो जाएगा रिएक्टिवेट सक्सेसफुली। तो ये तीन ऑप्शन है जो कि आप टैली को कैसे अपडेट कर सकते हैं, टैली का लाइसेंस कैसे सरेंडर कर सकते हैं, और उसके बाद टैली का लाइसेंस कैसे आप रिएक्टिवेट कर सकते हैं। तीनों प्रोसेस को फॉलो करने के लिए फिर से एक आपको एडवाइस ज़रूर हम देंगे कि बैकअप आप ज़रूर ले लें अपने डाटा का। कोई भी प्रोसेस करने से पहले बैकअप से रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि बैकअप कैसे लेना है या कहां से लेना है, तो ऑलरेडी इसकी वीडियो जो है हमारे इस चैनल पे है, आप उस पर जाके देख सकते हैं कि बैकअप कैसे लेना है। तो बाकी बैकअप लेने के बाद ही आप कोई भी ऐसा प्रोसेस फॉलो करें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दें, एंड सब्सक्राइब अवर चैनल G7 फॉर मोर वीडियोस। सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन इफ यू लाइक अवर वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर।